स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस वीडियो में ITF मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जो आपको क्वेश्चन बता रहे हैं इस रेंज में, इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। इसको बढ़िया से देख लेंगे, आप बढ़िया से समझ लेंगे और नोटबुक में नोट कर लेंगे, पक्का आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सीरीज के सारे वीडियो को देखिए बढ़िया से, बिना किसी टेंशन के। कम समय में आपको बहुत सारा चीज़ सिखाते हैं हम, जो जो बात बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए और अच्छा से जाइए प्लेलिस्ट में, पूरा वीडियो मिलेगा। चलिए तो सबसे पहले आप इसे लाइक कीजिए और पहला क्वेश्चन देखिए कि cos inverse cos 7π/6 की कहानी क्या है, इसका मान क्या होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे लिखते हैं 7π/6 और आके हल्ला करते हैं घर पे कि मेरा सही था, इतना सही है, इतना सही, लेकिन गलती हो जाता है। तो किसी भी चीज़ के पीछे कुछ लॉजिक रहता है, उस लॉजिक को समझेंगे आप तो सारा बेरा पार हो जाएगा। देखिए लॉजिक क्या है, आधा बात मत जानिए। कॉस इनवर्स कॉस एक्स की बात जब होती है तो इसका वैल्यू एक्स आता है, इसी कहानी को आपने जाना, इसी कॉन्सेप्ट को आपने अप्लाई किया और बोला कि सर यहाँ पे जो आगे रहेगा ना, ये दोनों सेम रहेगा, जो आगे रहेगा वही आपका आंसर होगा। बिल्कुल सही सर, लेकिन आधा बात क्यों जाना, पूरा बात कहता है कि नहीं मैं निकलूंगा तभी जब तुम्हारी औकात जीरो से पाई के बीच रहेगा तब। तो भैया 7π/6 7π/6 ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, मतलब एक से अधिक है, तो कह रहा है कि पाई से अधिक नहीं होना चाहिए और निगेटिव तो होने के चांसेस नहीं है, खूब होगा तो जीरो होगा, तो हमारा आंसर गलती हो जाएगा ही। इसलिए इसको पुलहाएंगे, बाबू मेरे पिजड़े में आ जा। कैसे सोल्यूशन करेंगे देखिए, कैसे करेंगे, कॉस इनवर्स कॉस, प्रिंटेड सवाल है ये, इसको लिख सकते हैं कैसे हम लोग 2π-5π/6। समझिए ध्यान से, एक बात याद रखिएगा, कॉस है ना 2π±θ क्या होता है, कॉस थीटा होता है, फॉर्मूला लाजवाब है। इसी के इसपे एक और क्वेश्चन हम सिखाएंगे आपको, तो यहां लिख सकते हैं ऐसे 6 × 12 घटाओ 5 कितना होगा, 12 घटाओ 5 हो जाएगा आपका 7, मतलब इसको ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, है ना। चलिए क्या होगा, तो कॉस इनवर्स ये हो जाएगा, जो घटेगा वहीं सटेगा, तो कॉस 5π/6। अब देखिए ये इसके औकात क्या है, इसके बीच में है तो दोनों सेम है, तो आंसर क्या होगा 5π/6 होगा, तो आंसर कितना हो गया 5π/6 हो गया। ठीक है, अब सुनिए टाइम किल नहीं, यहां देखिए कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 दे दिया, भैया इसकी औकात तो बहुत ज्यादा हो गया, 6 × 12 एक और ज्यादा, तो 6 × 12 डबल से ज्यादा है, तो मतलब इसकी इससे बाहर है, इसको लाएंगे बाबू हमर, यहां देखिए कैसे कहेंगे, इसको अपने चक्कर में लेंगे ना, अपने हाथ में लेंगे, कितना होगा 2π/π/6 जोड़ेंगे 6 × 12 = 13, गजब आ गया ना, और जो जुड़ेगा वहीं यहां सटेगा, तो दोनों यहां पे क्या होगा कॉस इनवर्स कॉस 5/6 होगा, और यहां से दोनों सेम है तो आंसर क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। इन दोनों प्रश्नों से आपने क्या सीखा, इन दोनों प्रश्नों से आपको यह सीखना है कि कभी भी फटाक दे देखकर ऑप्शन नहीं मानना है। ऐसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं यहां पे क्वेश्चन की साइन 2π/3। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना हुआ, बताएंगे क्लास खत्म होने के बाद, क्लास जब खत्म हो जाएगा ना बताएंगे, या बाद में अगर देख रहे हैं क्लास के बाद देख रहे हैं तो आप आराम से रोक के वीडियो को सब के बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे सही से बताते हैं। चलिए तो दो क्वेश्चन शानदार तरीके से है ना, अब सुनिए खूब ना पूछता है, खूब पूछता है, घबराने से नहीं ना होगा, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं होगा घबराने से बाबू, देखिए अगला क्वेश्चन सीधे लिख देगा आपको इसका प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान पूछेगा किसका, साइन वर्स 1/2, समझिए ध्यान से, कुछ ना कुछ तो आपको नया चीज सिखाएंगे ना हम। यहां देखिए फिर कह रहा है साइन वर्स -1/2,
फिर कह रहा है कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू, तीनों का मतलब क्या है समझिए, जब क्या रहे, देखिए यहां पे जब रहेगा, सबसे पहले देखिए कैसे निकालते हैं इसका मान, इसको कैसे समझेंगे, साइन कितना के मान एक बटा दो होता है, साइन कितना का मान एक बटा दो होता है भैया देख लीजिए, तो सोचिए मैट्रिक वाला साइन तीस का मान एक बटा दो होता है, तीस नहीं लिखना है, तीस का मतलब रेडियन में पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स, अब लफड़ा माइनस से पड़ेगा, याद रखिएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स की बात हो, माइनस एक्स है ना, टेन वर्स माइनस एक्स की बात हो, और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स की बात हो, ये सब एक ग्रुप का आदमी है, देखिए क्या करते हैं इसके एक समझ लीजिए, माइनस साइन इनवर्स एक्स, जो भीतर माइनस है बाहर निकल जाएगा, बस यहां देखिए साइन में है ना, इस ग्रुप का आदमी है, माइनस बाहर निकाल लेंगे, साइन इनवर्स वन बाई टू, और आपको पता है कि माइनस साइन इनवर्स वन बाई टू का मतलब साइन कितना का मान बटा दो होता है, पाई बाई छ का, ऐसे आंसर होगा, लेकिन कॉस का बात का है, कॉस का कुछ अलग कहानी है, कॉस का होता है ना हम साइन की बात नहीं मानेंगे, है ना, याद रखिएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स है ना, उसके बाद सेक इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, क्या है इन तीनों की कहानी ये है कि देखिए क्या होगा इसका, माइनस हटेगा तो पाई में से घटेगा, ऐसे लिखेंगे, सबकी कहानी है पाई में से घटेगा, बोलिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक बटा दो, और पाई माइनस कॉस कितना का मान होता है एक बटा दो, तो पाई बाई थ्री का, तो पाई बाई थ्री, तीन एकम तीन, एक तीन एकम तीन घटाव एक कितना होगा, टू पाई बाई थ्री होगा, तो आपसे कहना चाहेंगे कि एनसीईआरटी किताब है ना, तो उसका 2.1 है ना, 2.1 में जितने भी सवाल है ना उसको बना लीजिएगा आप, उसको बना लीजिएगा, पक्का बना लीजिएगा, ठीक है ना, पक्का, और एक और लाजवाब तरीका बता रहे हैं आपको, समझिए हम जो सिखा रहे हैं उसको समझिए, और क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, घबराना सही ना होगा, मेरे क्लास को शुरू से नहीं करते हैं, जो बच्चे उनसे कहना चाहिए कि उनसे को कर लें, घर में भाई बहन होंगे उनके मेरे कोर्सेज दिवा दीजिए, कोर्सेज देकर देखिए कितना बढ़िया से मैथमेटिक्स की जिमा लेते हैं, क्योंकि आप लोग किसी एक फेस को एक चेहरा को देखकर कोचिंग ज्वाइन करते हैं किसी का पूरा सब्जेक्ट के लिए, वो सर तो पढ़ाते नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत ब्रांड कोचिंग है उसमें एक सर बहुत फेमस रहते हैं, उन्हीं के नाम पर अपने पैसे जमा करते हैं, पता चलता अंदर जाने के पर क्या कि बाकी फैकल्टी सब गुड़ गोबर है, तो आप लोग हम मैथ पढ़ाते हैं, मैथ की जिमा लेते हैं, मैथ में आपका स्मार्ट बनाएंगे, स्मार्ट तरीके से पढ़ाएंगे, पढ़ाते भी हैं, आप लोग हर चीज़ के स्पेशलिस्ट को खोजो, जीवन एक बार मिला है पढ़ना एक बार इस क्लास में, तो बढ़िया खोजेंगे ना भाई, यहाँ देखिए साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू प्लस टू कॉस इनवर्स वन बाई टू, इसका मान कैसे बताएंगे, देखिए तो इसका मान डायरेक्ट मालूम हो तो और अच्छी बात है, कैसे मालूम है, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं हम, कितना होगा तो साइन कितना का मान रूट थ्री बाई टू होता है, तो पाई बाई थ्री का, गुड, कॉस कितना का मान एक बटा दो होता है, वन पाई बाई थ्री का, कितना होगा पाई बाई थ्री, एलसीएम तो हो जाएगा तीन पाई प्लस दो एक तीन, दो एकम दो, तो तीन पाई बाई थ्री कितना हो गया, पाई आ गया, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, चलिए यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, समझ रहे ना, ऐसे बनाएंगे। अब आते हैं और भी लाजवाब, बहुत ही लाजवाब सवाल है, बस आप देखते तो चलिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चन पूछता है ना उसी की बात कर रहे हैं हम, देखिए कह रहे हैं कि साइन इनवर्स वन बाई टू प्लस कॉस इनवर्स है ना बराबर पाई बाई टू, देन तब x इक्वल टू क्या होगा, तब x बराबर क्या होगा, तब x बराबर क्या होगा, देखिए यहां पे कैसे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x,
तो सबका मान एक ही होता है, सबका मालिक एक है, कैसे? इसका मान होता है पाई बाई टू, कितना होता है? पाई बाई टू, सबका मालिक एक है। अब सुनिए ध्यान से, लगातार हम पढ़ाते हैं, 15-20 मिनट में तो आपको बहुत सारा हो जाता है ना। और चाहते हैं कि लंबा लंबा वीडियो देखें तो भाई सर्च कीजिएगा ITF वन शॉट ऑब्जेक्टिव बाई आरके सिंह, अरे शानदार तरीके से आएगा वीडियो, समझ रहे ना आप। तो सुनिए ध्यान से, दोनों सेम है पाई बाई टू, दोनों सेम है एक्स एक्स पाई बाई टू, दोनों सेम है। तो भैया यहाँ पे एक्स पाई बाई टू दे दिया, ठीक है, तो यहाँ दोनों सेम होगा तब ना पाई बाई टू होगा। तो मतलब या तो यहाँ एक्स हुआ होगा चाहे एक बटा दो हुआ होगा, मतलब एक्स का मान कितना होगा? वन बाई टू होगा। एक्स का मान कितना होगा बोलिए, एक्स का मान कितना होगा? तो पाई बाई वन बाई टू होगा। अब सुनिए, इसी पर क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, डिफरेंशियल का थोड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसका यूज कर रहे हैं। तो भैया यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है ना, ये दिया है, इसमें से ये दे सकता है, ये दे सकता है, तीनों में कोई आ सकता है, याद रखिएगा। तो d बाई डी एक्स लिख देंगे यहाँ पे, और सुनिए इसका मान कितना, पाई बाई टू है, तीनों में कोई रहेगा पाई बाई टू चलाएगा, और कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन हम लोग कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, आंसर जीरो आने वाला है, जीरो हो गया आंसर, राइट। अब सुनिए इस पे एक और क्वेश्चन पूछता है, देखिए कैसे, साइन कॉट इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स ए कितना होगा? भैया देखिए यहाँ पे बाबू सेम टू सेम की बात कर रहा है, यही ग्रुप है, इसका मान पाई बाई टू होगा, तो साइन पाई बाई टू का मान कितना लिखेंगे? एक लिखेंगे, कितना लिखेंगे? एक लिखेंगे, हो गया ना। पापा की परी उड़ जाएगी, आप मगरमच्छ बन के पानी में तैरते रह जाओगे, देख लो समझ लो, ठीक है ना, हंसने की बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अति सुंदर बातें, जितना बता रहे हैं उतना करके जाओ और झंडा हिला के आओ, फहरा के आओ। तो आइए हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा लाइक कौन करेगा, लाइक करने के नाम पे तो उठवा पता नहीं क्या करेंगे उठवा से, आप लोग कौन काम करते हैं उठा से भाई, ये लाइको कर दीजिए थोड़ा सा। चलिए टेन इनवर्स वन बाई टू प्लस टेन इनवर्स वन बाई थ्री का मान ये पूछ दिया, और फिर पूछ दिया आपको टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स टू प्लस टेन इनवर्स थ्री का मान पूछ दिया, क्या करेंगे आप बताइए। यहां देखिए फॉर्मूला होता है इसका एक, देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, आप देखिएगा जाकर प्ले लिस्ट में ना, एक टारगेट सीरीज करके प्ले लिस्ट बना हुआ है, टारगेट सीरीज, टारगेट सीरीज में जितना भी चीज पढ़ाए हम, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब पढ़ाए, उसको देख लीजिएगा, बहुत मजेदार चीज है वो। क्या होता है तो टेन इनवर्स क्या होगा, एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, और ये फॉर्मूला तब लागू होता है जब एक्स वाई क्या हो, वन से छोटा हो गुना करने पर। अगर क्या हो, एक्स वाई क्या होगा, वन से बड़ा होगा, तो इतना में क्या करेंगे, इतना में ले आके पाई जोड़ देते हैं, क्या करते हैं हम लोग, पाई जोड़ देते हैं, नहीं समझ में आया। देखिए क्या होगा इसका सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन होगा टेन इनवर्स वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री वन माइनस वन बाई टू इंटू वन बाई थ्री, ठीक है, टेन इनवर्स तीन एकम तीन दो पाँच, पाँच बटा छः, तीन दोनों छः घटाओ एक, पाँच बटा छः कट गया ना, कट गया ना, ये कट गया तो क्या हो गया, टेन इनवर्स वन का मान, इसलिए बोले हैं याद रखना पड़ेगा, टेन कितना का मान एक होता है भाई, पाई बाई फोर होता है, पाई बाई फोर। थोड़ा थोड़ा हम फास्ट फास्ट पढ़ा रहे हैं, हम जान रहे हैं, क्योंकि कम समय में ज़्यादा पढ़ाना है, आप थोड़ा स्लो मोड में कर सकते हैं, या स्लो लग रहा है फास्ट मोड में कर सकते हैं, लेकिन बहुत पढ़ो पढ़ो, बस जानो इस चीज़ को, नोट कर लो बढ़िया से। इसको आइए, दुनिया जानती है कि टेन इनवर्स वन का मान पाई फोर है, अगर नहीं आपको पता था तो आप जान गए, यहाँ भी यहाँ भी फॉर्मूला वहीं अप्लाई होगा, इस तरह से टेन इनवर्स टू प्लस थ्री वन माइनस टू इंटू थ्री, लेकिन दिक्कत है यहाँ पे,
दुना छः हो गया, छ मतलब एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा होगा तो क्या बताए थे, पाई जोड़ना पड़ेगा आपको, फमला यही रहेगा सिर्फ पाई जुड़ जाएगा। चलिए पाई बाई फोर प्लस टेन वर्स पाँच बट्टा माइनस पाँच प्लस पाई, सुनिए पाई बाई फोर ये माइनस वन हो गया, माइनस वन का मतलब माइनस बाहर निकलता है टेन में, टेन में टेन वर्स वन का मान कितना होता है पाई फोर होता है, तो माइनस पाई बाई फोर प्लस पाई, कट गए हो भाई, पाई आ गया आंसर, क्लियर पाई आ गया आंसर। ऐसा ऐसा तरीका से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। और आप लग रहा है कि घबराए हुए हैं, बेशक एक बात समझिए, बेशक जो है मतलब कि ITF में बहुत सारा क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, बहुत सारा फॉर्मूला दिया हुआ है, आपसे कहना चाहेंगे एक बार क्या कीजिए NCERT बुक के लास्ट में जो एक्सरसाइज है खत्म हो रहा है आप लोग का ITF वाला, उसके लास्ट में या किसी भी टीचर के पास पढ़ते होंगे तो उसका उनका एक फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला चार्ट होगा ITF का, या आपसे भी कहना चाहेंगे कि गेस कर दोगे उसके उसमें दिया होगा फॉर्मूला चार्ट, एक बार देख लीजिए सरसरी निगाहों से, इतना क्वेश्चन कर लीजिए मेरा पार लग जाएगा। वन शॉट वीडियो देखना चाहते हैं तो सर्च कीजिएगा वन शॉट ऑब्जेक्टिव और चैप्टर का नाम मैट्रिक्स बाय आर के सिंह, ITF बाय आर के सिंह, इंटीग्रेशन बाय आर के सिंह, आपके सामने आएगा, धैर्य उड़ा दीजिए। तो हर हाल में आपका कल्याण होने वाला है, इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बार आए हैं तो, और लाइक कीजिए वीडियो को, मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।